चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाचा के घर पर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये चोर नशा करने के लिए चोरी करते थे। काशीपुर में 23 सितंबर को गन्ना मिल राजेंद्र नगर निवासी शिवा वर्मा के घर से सोने चांदी व नकदी चोरी हो गए। इसके बाद पुलिस ने चोरों का सुराग लगाया। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और दो नशेड़ियों को एलआईसी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वो रिपोर्टकर्ता शिवा वर्मा का भतीजा अमन वर्मा है, जिसको चाचा के घर पर न होने की जानकारी थी, और अभियुक्त अमन वर्मा ने अपने साथी धनजी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 23 सितंबर को एक सूचना मिली थी शिवा वर्मा, जो कि गन्ना मिल कॉलोनी जो राजेंद्र नगर की है, कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गए थे तो सेकंड मंजिल पे इनके घर की अलमारी और अन्य चीज़ों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए जब सीसीटीवी और अन्य चीज़ों को लिया गया तो उसमें एक लड़के का हुलिया आया। बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन में अमन वर्मा उसका नाम आया, जो कि वादी जो मुकदमा है जिनके घर में चोरी हुई थी शिवा वर्मा, उन्हीं का भतीजा है। लगभग 5 लाख रुपए की स्त्री धन, इसमें मंगलसूत्र से लेकर कंगन से लेकर अन्य सारी चीज़ें और 20,000 रुपये कैश इसने मौके से चोरी करी थी। अमन के साथ इसके एक दोस्त धनजी को भी गिरफ्तार किया गया। 100% रिकवरी की गई है पुलिस के द्वारा। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।